ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद भारत समेत अन्य टीमों के लिए अब क्वालिफिकेशन मुश्किल हो गया है। कंगारू टीम ने अब तक कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसे 6 जीत, 2 हार और 1 ड्रॉ मिली है। ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त 9 मैचों में जीत प्रतिशत 61.11 है। आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए जीत प्रतिशत देखा जाता है। इस दौरान सभी टीमों को 6 टेस्ट सीरीज खेलनी होती हैं, जिसमें 3 होम सीरीज जो कि घर पर खेली जाती हैं और 3 सीरीज विदेशी सरजमी पर खेली जाती हैं, जिसमें मिनिमम 2 मैच खेलने जरूरी होते हैं। अगर 2 मैचों की श्रृंखला होती है तो 30 पॉइंट का 1 मैच होता है, और अगर 4 मैचों की वो सीरीज है तो फिर 15 पॉइंट का 1 मैच होता है। पूरा साइकिल खत्म होने के बाद जो 2 टॉप 2 टीमें होती हैं उनके बीच एक फाइनल मुकाबला खेला जाता है, उसमें से जो टीम जीतती है उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विनर घोषित किया जाता है। WTC के 2019-21 साइकिल में न्यूजीलैंड ने तो 2021 और 23 के WTC साइकिल में ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत मिली थी, और दोनों ही बार विपक्षी टीम भारतीय टीम थी, दोनों ही बार भारतीय टीम रनर अप रही थी। मौजूदा समय में भारतीय टीम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, पर भारत ने अभी तक कुल 4 मैच ही खेले हैं, जिसमें उसे 2 में जीत, 1 में हार और 1 मैच ड्रॉ रहा है। भारतीय टीम का जीत प्रतिशत इस वक्त 54.16% है। भारतीय टीम इसके बाद 25 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने वाली है, और अगर भारत लगातार तीसरी बार WTC चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना चाहती है तो उसे यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। इंग्लैंड भी इस वक्त 5 मैचों में 2 जीत के साथ 7वें पायदान पर मौजूद है। इंग्लैंड के लिए सीरीज डू और डाई के मोड़ पर खड़ी है। कंगारू टीम इसके बाद वेस्टइंडीज के साथ एक और टेस्ट मैच खेलेगी, और अगर वो मैच भी जीत गई तो उसका चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना लगभग तय हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 1 स्पॉट के लिए लड़ाई होगी। एडिलेड में हुए पहले मैच में कंगारुओं ने 3 दिन के भीतर ही मैच जीत लिया। शानदार शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच मिला। इस मैच की दोनों पारियों में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने 9 विकेट हासिल किए। ऐसे विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।